हेलो गाइस, आप सभी ने सोने की लंका के बारे में तो जरूर से सुना होगा रामायण में। तो क्या आप जानते हैं कि यह सोने की लंका का निर्माण आखिर किसने करवाया? अगर आप कहते हैं रावण ने करवाया तो यह सही उत्तर नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि सोने की लंका का आखिर निर्माण किसने करवाया और इसके पीछे क्या कहानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। रामायण की कथा में आप सभी लोगों ने लंका के बारे में जरूर से सुना होगा। जी हाँ, वही सोने का लंका जो कि जलकर भस्म हो गया था। तो क्या आप जानते हैं कि यह लंका का निर्माण किसने किया था, इसका असली मालिक कौन था? रामायण की कथा के अनुसार जिस सोने की लंका का वर्णन किया गया है उसका निर्माण रावण ने नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ ने करवाया था अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर। दरअसल भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास हिमालय में था। वे बहुत ही सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें किसी भी आलीशान महलों की जरूरत नहीं थी। किंतु एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, हमें महलों की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो मैं विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीचों बीच सोने का महल बनवा देता हूँ। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने समुद्र के बीचों बीच सोने का महल बनवा दिया और उसी सोने के महल को हम लोग लंका के नाम से जानते हैं। अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि लंका का निर्माण रावण ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने करवाया था माता पार्वती के कहने पर। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता है कि इस सोने की लंका का निर्माण आखिर किसने करवाया था। अगर आपको इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।